नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल होम प्रोडक्ट गुरु यूट्यूब में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं इसके पहले आपको मैं बताया था कि डिश वार लिक्विड कैसे बनता है और मैं आपको बना के दिखाया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि डिश बार कैसे बनता है, डिश बार टिक्की कैसे बनता है और इसका अच्छा खासा आप बिजनेस करके पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, ये छोटा सा मेरा एक फैक्ट्री है जो जिसमें मैं खुद बनाता हूँ और खुद बेचता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चलते हैं कि डिश वार कैसे बनता है, वो भी राख मिट्टी वाला डिश वार कैसे बनता है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि राख वाला डिश वार टिक्की कैसे बनता है और मैं आपको बता के दिखाऊँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, बेल आइकन दबाए, जो भी मैं वीडियो डालूँगा आपके मोबाइल पर उसका मैसेज चला जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, आप कोई भी मेरा वीडियो मिस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चलते हैं इसमें क्या क्या सामान लगता है और कैसे बनता है तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, तो हम सबसे पहले लेंगे राख, दूसरे नंबर पे है सोडियम सल्फेट, तीसरे नंबर पे है TSP और चौथे नंबर पे है डोलामाइड और पांचवें नंबर पे है SLES, जिसको हम काला तेल बोलते हैं। और इसमें हम लेंगे सबसे पहले एक टब लेंगे प्लास्टिक का और इसमें हम मटेरियल मिलाएंगे, देखते हैं दोस्तों कैसे मिलाया जाता है और कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आप कमेंट करेंगे, जो भी आंसर पूछेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा। दोस्तों, तो कैसे बनता है ये सामान मैं आपको चलते हैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे ये सामान पड़ेगा, कैसे मिक्स होगा। तो दोस्तों, चलते हैं आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले डालेंगे इसमें TSP, देखते हैं TSP सोडियम सल्फेट, इसमें डालेंगे सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का मात्रा थोड़ा ज़्यादा होगा और इसमें डालेंगे डोलामाइड। डोलामाइड ये बर्तन को अच्छी तरह साफ भी करेगा, इसमें डोलोमाइड डाल दिए। अब इसको अच्छी तरह हम थोड़ा मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, बेल आइकन दबाए, शेयर करें, कमेंट करें। अब इसमें डालेंगे थोड़ा हम लोग राख, ये छन्नी लिया हूँ, इसमें थोड़ा सा हम राख डालेंगे चाल के कि साफ सुथरा राख हुए। दोस्तों, इसको अच्छी तरह हम फिर मिलाएंगे इसको। इसको अच्छी तरह हम मिलाएंगे, कौन सा सामान कहाँ मिलता है आप मुझे कमेंट में कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इसको इतना अच्छा से मिलाएंगे कि सारा आपस में मिल जाए, बिल्कुल पतंजलि का डिश बार जैसे आपको बना के दिखाऊंगा। दोस्तों, आप इससे अच्छा खासा बिजनेस कर कमा दोस्तों इससे आप अच्छा खासा बिजनेस करके कमा सकते हैं और ये बिल्कुल
कम से कम 20 या 22 रुपया किलो पड़ेगा आपको। 20 22 रुपया किलो में आप 20 बार बना सकते हैं। एक टिक्की 200 ग्राम का होता है, वो भी 10 रुपये में बेचता है। दोस्तों इसमें अब मिलाएंगे एस एल ई एस मिलाएंगे। ये झाग प्रोवाइड और सफाई भी करता है, और इसको हम फिर अच्छी तरह मिलाएंगे। दोस्तों आप दस्ताना हमेशा पहन के ही काम करें, कि ये थोड़ा नुकसान देता है। दोस्तों इसको अच्छी तरह हम मिलाएंगे, जितना हम अच्छा मिलाएंगे उतना अच्छा बनेगा। दोस्तों बहुत अच्छी तरह से मिलाना पड़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपके मोबाइल पर इसका नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर सकते और अच्छा खासा आप लाभ कमा सकते हैं इससे। दोस्तों दोस्तों ये अच्छी तरह से मिला लिए हैं। ये थोड़ा थोड़ा गीला चाहिए हमको, तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। दोस्तों थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये थोड़ा ये गीला हो जाए। गीला होगा फिर ये अच्छा टिक्की बनेगा इसका। देखिए दोस्तों ये हल्का हल्का गीला चाहिए, ज़्यादा गीला नहीं चाहिए दोस्तों, हल्का हल्का गीला चाहिए। और बहुत अच्छा 20 बार बनेगा, बिल्कुल पतंजलि की तरह राख मिट्टी वाला 20 बार। दोस्तों अब 20 बार का बर्तन लिया हूं मैं एक, और इसमें हम 20 बार का पाउडर डालेंगे। देखिए दोस्तों, और इसको अच्छी तरह हम दबाएंगे। इसको बहुत अच्छी तरह दबाएंगे, जितना अच्छा इसको प्रेस करेंगे उतना अच्छा बनेगा। दोस्तों देखिए दोस्तों जितना अच्छा इसको प्रेस करेंगे उतना अच्छा बनेगा। इसको बहुत अच्छा से प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों। जितना प्रेस करेंगे उतना ही अच्छा बनेगा दोस्तों, और इससे अच्छा खासा आप बिजनेस करके कमा सकते हैं। ये इसमें एक डब्बे में आधा किलो है, आधा किलो है। आप इसको वैसे आपको 1 किलो 20 या 22 रुपये में पड़ेगा। ये आधा किलो आप मार्केट में होलसेल में कम से कम 20 रुपये में सेल कर सकते हैं दोस्तों। इसमें 50% का कमाई है। ये 3 रुपये का डब्बा है दोस्तों, ये 3 रुपया का डब्बा है। देखिए दोस्तों ये बन के 20 बार तैयार है, और इसको हम कम से कम एक दिन इसको रख देंगे। एक दिन में ये बिल्कुल जम जाएगा और बढ़िया 20 बार बनेगा। तो दोस्तों 20 बार बनाए और अच्छा खासा बिजनेस करें। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, अब अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि
कि 20 बार